आज की ताजा खबरों कैबिनेट में बात करेंगे। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए अधिक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बाइक चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, बाइक की रफ्तार पर लगेगी ब्रेक, दोपहिया वाहनों के लिए तय होगी स्पीड लिमिट, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब घर घर पहुंचेगा कोरोना का टीका, सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बनाया है हर घर दस्तक प्लान, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश के नाम बड़ी कामयाबी, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर के टारगेट को हिट करने में है सक्षम। सीमा सुरक्षा और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को साधने की क्षमता रखती है। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। अग्नि 5 का ये 8वां टेस्ट था। वह अग्नि 5 भारत की पहली एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने इसको बनाया है। ये भारत के पास मौजूदा लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल डेड तंत्र का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड Mach 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना इसकी ज्यादा स्पीड है। बात करते हैं अगली खबर की, तब घर घर पहुंचेगा कोरोना का टीका, सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बनाया है हर घर दस्तक प्लान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों में अब घर घर जाकर COVID-19 टीकाकरण के लिए अगले महीने के दौरान घर यहां पर हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत यहां पर की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य लोगों को घातक वायरस से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करना होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोई भी जिला ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पूर्ण टीकाकरण ना हो। उन्होंने कहा है कि हर जिले यहां पर हर घर दस्तक अभियान जल्द ही यहां पर खराब प्रदर्शन वाले जिलों में लोगों को पूर्ण टीकाकरण के लिए उत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए शुरू होगा। वहीं मनसुख मावड़िया ने आगे कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर 2 नवम्बर को इस अभियान को शुरुआत करने के सुझाव यहां पर दिए हैं। ऐसा लगभग 28 जिले हैं देश में जिनकी पहचान की गई, जहां पात्र लगभग 50% से कम लोगों ने पहली खुराक ली है। सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर 2021 तक सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की जो खुराक है कोरोना वैक्सीन की वो मिल जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के अंदर अभी यहां पर 103 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 153,53,25,577 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वो ये बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो पेट्रोल डीजल को लेकर निकल कर आ रही है बड़ी खबर, 150 रुपए तक हो सकती है कीमत। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अपने महंगे स्तर पर चल रही है। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों और आम लोग सरकार से पेट्रोल डीजल कीमतों में कटौती की मांग कर रहे हैं। दिग्गज ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि आने वाले इस समय में देश में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने की संभावना है। वही गोल्डमैन सैक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अगले साल तक क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल जा सकती है। अभी जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $85 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। इसी प्रकार मौजूदा भाव के मुकाबले अगले साल तक जो क्रूड है उसकी कीमत 30% तक यहाँ पर तेजी से बढ़ सकती है, यानी तेजी इसमें आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स के ऑयल एक्स यहाँ पर एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड डिमांड सप्लाई और असंतुलन यहाँ पर हो गई है। इस समय क्रूड की डिमांड प्री कोविड स्तर पर पहुंच गई है, इससे अगले साल तक क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं क्रूड की कीमत में बढ़ोतरी से भारत में पेट्रोल डीजल कीमतों में भी इसका असर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि क्रूड की कीमत में 30% बढ़ोतरी का मतलब यह है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत 150 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 140 रुपये प्रति लीटर के आसपास आ सकती है। वही समय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 96 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पर है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए तगड़ा झटका, किसान सम्मान निधि योजना में हुआ है बड़ा बदलाव, अब इन किसानों को नहीं मिलेंगे 6000 रुपये साल।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक बढ़ रहे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए यहां पर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों को यहां पर अब 10वीं किस्त का पैसा जल्दी मिलने वाला है। इस बीच सरकार के बड़े ऐलान ने किसानों को हिला कर रख दिया है। वे केंद्र सरकार के पास कई राज्यों से फर्जीवाड़े को लेकर खबरें आई थी। इस बीच सरकार ने एक्शन लेते हुए अब किसानों के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया, यानी अब पंजीयन कराने के लिए राशन कार्ड का नंबर जरूरी होगा। वही जानकारी के मुताबिक कई राज्यों से शिकायत आ रही थी कि फर्जी तरीके से एक ही परिवार के कई लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके चलते सरकार का जो बजट है वो यहाँ पर गड़बड़ा रहा था। वही जांच में पाया गया कि देश के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जो एक ही घर में रहकर किसान सम्मान निधि योजना का यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिसमें एक ही घर में बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वही फर्जीवाड़ा को देखते हुए भारत सरकार ने राशन कार्ड में दर्ज पति पत्नी और उससे परिवार के सदस्यों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ यहाँ पर इसके लाभ के शर्त में यहाँ पर इसके राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की जो सॉफ्ट कॉपी है उसको अपलोड यहाँ पर करनी होगी। वही केंद्र सरकार की इस योजना में करोड़ों किसानों को 6000 रुपए सालाना मिलता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तब जल्द राशन की दुकानों से भी आप खरीद सकेंगे छोटे सिलेंडर। सरकार ने किया है प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने कहा है कि वे राशन की दुकानों के जरिए छोटे एलपीजी सिलेंडर की रिटेल बिक्री की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही इन दुकानों के जरिए वित्तीय सेवा भी पेश की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ एक वर्चुअल बैठक में चर्चा की, जिसके बाद यहां पर जिसकी अध्यक्षता खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने की। और बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और पेट्रोलियम और गैस प्राकृतिक मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए और IOCL और BPCL HPCL समेत कई यहाँ पर कंपनियों ने हिस्सा लिया। वही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छोटे एलपीजी सिलेंडर की राशन की दुकानों के जरिए रिटेल बिक्री के प्रस्ताव को प्रोत्साहित किया है, जिन्हें राशन की दुकानें भी यहाँ पर किया जाता है, यानी राशन दुकानों पर इसको यहाँ पर बेचा जाएगा। वही IMC ने कहा है कि इसके लिए रुचि रखने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ समन्वय में जरूरी यहाँ पर समर्थन दिया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि बैठक में खाद्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि FPS की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बाइक की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, दोपहिया वाहनों के लिए तय होगी स्पीड लिमिट। देश में बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर ट्रैफिक नियमों में लगातार बदलाव और ट्रैफिक नियमों को और सख्त यहां पर किया जाता है। अब सड़क पर फराटे से दौड़ने वाले दोपहिया वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए नए ट्रैफिक नियम जल्द ही लागू होने वाले हैं। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में ही मसौदा अधिसूचनाओं का एक नया सेट प्रकाशित किया है, जिसका उद्देश्य बाइक स्कूटी जैसे वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। वह नए नियमों के तहत दोपहिया वाहनों की स्पीड लिमिट तय की जाएगी। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन मंत्रालय के मसौदे में अन्य सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ गति सीमा सहित कई उपायों का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। इनमें ज्यादातर नियम सवारी के तौर पर छोटे बच्चों को पीछे बैठाने वाले दोपहिया वाहन जो नियम है वो लागू होंगे। वही बाल यात्रियों को मोटरसाइकिल के पीछे ले जाते समय बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये दोपहिया चालकों की जिम्मेदारी होगी कि पीछे बैठे 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के जो सर पर है वो यहाँ पर हेलमेट यहाँ पर कैश हेलमेट होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो उत्तर भारत में अब बढ़ेगी सर्दी, केरल समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश से दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी मिनी मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दक्षिणी कर्नाटक में बारिश पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वही दूसरी ओर पहाड़ों में बर्फबारी हो गई, यानी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है। अब इसकी जद में पूरा उत्तर भारत आने की संभावना, यानी सर्दियों यहाँ पर उत्तर भारत में सर्दियाँ दस्तक देने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने IMD का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में पहाड़ों से चलने वाली बर्फीली हवाएं दिल्ली हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में यहाँ पर तापमान गिराने का काम करेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली सहित उत्तर भारत में तापमान गिर सकता है। वही साल समय से पहले सर्दी की शुरुआत हो सकती है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर देश में इस वक्त मिनी मानसून दक्षिण राज्यों में प्रवेश कर चुका है। वही अब आपको एक नज़र डाल लेनी चाहिए आज के मौसम के हाल पर, तो क्योंकि सुबह सुबह अगर आप का कोई प्लान यहाँ पर बना रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो मौसम की जानकारी जरूर हो जाती है। वही IMD की ओर से रोजाना मौसम कैसा रहेगा, मौसम रोजाना का मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी दी जाती है, ताकि आपको पहले से ही ये मालूम हो कि आज कहाँ बारिश होने वाली है, आपके राज्य में आपका राज्य का मौसम का हाल कैसा है यहाँ पर। तो चलिए बताते हैं आज के मौसम के हाल, तो आज का मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम की जानकारी देने वाली
निजी संस्था स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, तट आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बजरंगी पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के लोग आज भी यहाँ पर बारिश के लिए तैयार रहे। इन राज्यों में बारिश की तीव्रता हल्की रहने वाली है। वही पांडुचेरी में भी हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के अलर्ट के बारे में बात करें तो मौसम विभाग की माने तो केरल माहे तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पांडुचेरी कराईकेला जो कराई का इलाका है वहाँ पर कर्नाटक में और इन इलाकों में 30 तारीख तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वही आंध्र प्रदेश रॉयल सीमा में 30 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम वही एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 6-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में और पूर्वी इलाकों में कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 29 अक्टूबर तक तमिलनाडु के रामनाथपुरम और विरुधनम नगर सहित कई इलाकों में बारिश की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।